चलो वधु वर को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। अरे महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ शादी नहीं है, हवन है। हाँ शादी नहीं है तो पहले बोलना मांगता है ना। अच्छा ठीक है, आपके ससुर जी का नाम बताइए। श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। स्वर्गीय चंपकलाल आत्मा शांति है ना। महाराज क्या बोल रहे हैं आप, क्या हो गया भाई? चंपकलाल गड़ा मेरे पिताजी का नाम है। तो मतलब वो अभी जीवित है, गांव में है, स्वर्गीय क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, क्या माँ जी आप कुछ भी बता दे। अरे माँ जी होगी आपकी बहू। अरे बाप रे। अरे ये तो टीवी के लिए हवन रखा है। अच्छा टीवी के लिए हवन रखा, माफ करना क्या है, सुबह से बहुत पूजा हो रही, सब मिक्स हो रहा है, माफ करना। तो सारे भक्त गणों मैं जो भी बोलता हूँ ध्यान से सुनिए, जब भी मैं इस हवन कुंड में ये पूजा डालूंगा, मतलब मैं घी और पंचामृत जब डालूंगा, तब आप सब लोग बोलेंगे स्वाहा स्वाहा। अरे मैंने कुछ अभी डाला है क्या, आप क्यों बोल रहे स्वाहा? टीवी हरताल दूर करम हवन प्रारंभम स्वाहा स्वाहा। हे टीवी देवता, टीवी हरताल चालुम भक्त परेशानम स्वाहा स्वाहा। टीवी संकट भक्तगण नए एपिसोड देखने व्याकुलम स्वाहा स्वाहा। और महत्वपूर्ण सब स्त्री वर्ग की इच्छा पटापट पूरी होवम स्वाहा स्वाहा। हेलो रीटा रिपोर्टर यहाँ। ओ हाय, व्हाट, वाओ, सुनिए खुशखबरी, स्ट्राइक खत्म हो गई। और क्या माधी तुम भी कुछ भी अंधश्रद्धा फैला रही हो। अरे पिछले कई दिनों से प्रोड्यूसर्स और वर्कर के बीच में मीटिंग चल रही है, तो हड़ताल तो खत्म होनी ही थी, ये सिर्फ एक योगा योग है और कुछ नहीं। ए भिड़े भाई, आपको जो मानना है वो मानो, हम तो यही मानेंगे कि हवन की वजह से ही टीवी की हड़ताल खत्म हुई है ना, क्या कहते आप? हा? हा, हा, हा। अब तो रोज नए नए एपिसोड देखने को मिलेंगे। अरे ओ महाराज ये क्या, किधर लेके जा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हवन अभी हो गया, अभी लेके जाने का। तो हो गया तो आपको दक्षिणा मिलेगा ना, ये सब किधर लेके जा रहे हैं? अरे फल फ्रूट अभी बहुत महंगा हो गया, वो देने का ना खाली रखने का, इधर पूजा में सफरजन अभी 110 रुपया किलो है, वो इधर आप लेके जाएंगे तो इधर मर जाएंगे हम लोग। बस अभी नारियल को तो छोड़ो भाई, इधर वो चटनी बनाने का काम आता है घर पे, दया अच्छी बनाती है चटनी, छोड़ दो, जितना मिला खुश रहो, शांति रहो, खुशी से दिया है ना, ज्यादा मगज मारी चिक चिक मत करो अभी, चलो। चेठा क्या करे थे तुम? अरे वो महंगे महंगे फ्रूट लेके भाग रहा था, पकड़ा उसको। और जो भी हो हड़ताल तो खत्म हो गई ना, ये अच्छा है, मतलब अगर मांगे पूरी ना हो तो हड़ताल करो। हड़ताल करने से सारी मांगे पूरी हो जाती है। अभी तुम ही बोलो ना भाई, अभी सब मिलके हड़ताल करेंगे तो मांगे पूरी करनी ही पड़ती है। चलो जो भी है, मेरा को ये खुशी है कि मेरा धंधा वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकने लगेंगे मेरे। अब हमारी प्रॉब्लम और परेशानियां दूर हो जाएगी। वो कैसे? अब हमें स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब स्कूल में टीचर की नहीं हमारी बात माननी पड़ेगी। वो कैसे? ओए टप्पू क्या करने वाला है? स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी हड़ताल। मगर क्यों? देखो
जैसे टीवी वर्करों ने स्ट्राइक की तो उन लोग की मांगे पूरी हो गई, बस उसी तरह हम स्कूल में स्ट्राइक करेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएगी। पर टप्पू, स्ट्राइक के लिए हमारी डिमांड क्या होगी? देखो, टीचर स्कूल में हमें पनिश करती है। हाँ। ज्यादा होमवर्क देती है। हाँ। जिसके वजह से हमें खेलने का मौका नहीं मिलता। हाँ। बस इसीलिए हम स्ट्राइक करेंगे और हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। तो बोलो, है मंजूर? तो मिला हाथ।